अस्सलाम वालेकुम। फंक्शन ग्रुप को हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ फंक्शन ग्रुप डिस्कस कर लिए थे। मसलन उसके मतलब क्वेश्चन आता था कि डिफाइन फंक्शन ग्रुप एंड एक्सप्लेन एनी फाइव फंक्शन ग्रुप विच कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास जो आज डिस्कस करना है ना, फंक्शन ग्रुप की डेफिनेशन, फंक्शन ग्रुप क्या होता है, ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ आती है ना, पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो कहता है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप की तारीफ करें एंड राइट और लिख दो एनी फाइव फंक्शनल ग्रुप। कोई से पांच फंक्शनल ग्रुप लिखने हैं जिसके अंदर कौन सी चीज हो कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। इस क्वेश्चन का आंसर लेना है आज हमने। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कहता है जी हमारे पास एटम्स या एटम्स का ऐसा ग्रुप जो किसी भी कंपाउंड का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे। मसलन किसी भी जगह पर अगर आपको ये वाली चीज़ नजर आ जाए, OH आप कहोगे ये अल्कोहल है। ये क्या हमारे पास अल्कोहल है। किसी भी जगह पर आपको ये वाली चीज़ नजर आ जाए तो आपने कह देना ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सही है, यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास किसी भी कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे रही होती है। अब हमने पांच फंक्शनल ग्रुप ऐसे डिस्कस करने जिसके अंदर नाइट्रोजन एटम हो। इसका तरीकाकार जो होता है हमारे पास ये वाला है कि सबसे पहले आपने फंक्शनल ग्रुप लिखना होता है, चार चीज़ें लिखनी होती हैं, फंक्शनल ग्रुप लिखना है, इसके बाद आपने जनरल फार्मूला लिखना होता है, जनरल फार्मूला। सही है, इसके बाद आपने इसके एग्जाम्पल वगैरह कोई लिखनी होती है। ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे लिखनी है, और इसके बाद इसके शुरू में बल्कि एक चीज़ आती है नेम। चलो नेम लास्ट में कर लेते हैं, वैसे शुरू में आता है, चलो यहाँ पर बना लेते हैं। शुरू में सबसे पहले नेम, फिर फंक्शनल ग्रुप, ये चार चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। चलो जी, हमने ऐसे फंक्शन के नाम लिखे जिसके अंदर नाइट्रोजन आइटम हो, पांच ही हैं हमारे पास जिसके अंदर नाइट्रोजन आइटम होता है। सबसे पहले जो फंक्शन ग्रुप है ये याद रखिएगा, ये है अमाइनो के अंदर याद रखिएगा NH2 इसका फंक्शनल ग्रुप है। ये अमाइनो एसिड के अंदर पाया जाता है, ये किसमें पाया जाता है हमारे पास अमाइनो एसिड के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पे मैं जनरल फार्मूला लिखने लगा हूँ। जनरल फार्मूला लिखने के लिए आपने क्या करना होता है, बॉन्ड के इस साइड पे R लगा देना, बाकी सेम एज इट आ जाएगा। और यहाँ पे एग्जांपल देते वक्त आपने क्या करना है, CH3 R की जगह पे लिखना है और अमाइनो ग्रुप वैसे का वैसा आ जाएगा। ये था जी हमारे पास पहला फंक्शन ग्रुप। अब जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है यह है अमाइनो, I से स्टार्ट होता है। इन दोनों में फर्क याद रखिएगा, अमाइनो A से स्टार्ट हो तो ये वाला है, इमीनो I से स्टार्ट हो तो इसका फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो NH2 होता है, ये वाला। सही है, ये वाली चीज हमारे पास अमाइनो फंक्शनल ग्रुप है, इमीनो। सही है, अब ये इसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ बेशक आप हाइड्रोजन लगा दो या CH3 लगा दो, मैं यही करूँगा कि यहाँ पे CH3 लगा दूँ, यहाँ पे भी R लगाओ NH, यहाँ भी R लगा दो। नेक्स्ट एग्जांपल बनाने के लिए आपने क्या करना है, आर की जगह पे CH3 लिख देना है, CH3 लिख देना है। ये था जी हमारे पास सेकंड फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास नाइट्रो। सही, ये नाइट्रो जो फंक्शनल ग्रुप है इसका जो फॉर्मूला है ये वाला है NO2। क्या है, NO2। अब नाइट्रो के बाद हमारे पास यहाँ पे जनरल फार्मूला बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसके साथ जहाँ पे खाली बॉन्ड होगा वहाँ पे R, इस यहाँ पे R की जगह पे CH3, ये नाइट्रो आ गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो है सियानो फंक्शनल ग्रुप है। सियानो याद रखिएगा CN, इसका जनरल फार्मूला है CN, जनरल फार्मूला लिखने के लिए RCN लिखेंगे, R की जगह पे CH3 लिखो, ये हमारे पास सियानो फंक्शन ग्रुप आ गया। और लास्ट में हमारे पास जो चीज़ आ रही होती है वो सियानो के बाद एसिड एमाइड आ रहा होता है, ये लास्ट वाला फंक्शन ग्रुप है जिसके अंदर नाइट्रोजन आइटम आ रहा होता है। एसिड एमाइड का फार्मूला लिखोगे तो ये हमारे पास फार्मूला को जिस तरह का बना होता है, C OH NH2, ये वाली चीज़ हमारे पास एसिड एमाइड है। यहाँ पर नेक्स्ट में क्या करना है, आपने खाली बॉन्ड की जगह पर R लिखना है और ये वाली चीज़ हमारे पास एसिड एमाइड है, और यहाँ पे आपने R की जगह पे CH3 लिखो। ये थे जी हमारे पास पांच ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर नाइट्रोजन एटम आ रहा है। सही, चेक कर लो, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम है,
यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम है, हर एक में नाइट्रोजन एटम लाजमी है। सही, अब इसमें ना बाज़ दफ़ा दो फंक्शन ग्रुप ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन एटम भी, देखो ये वाला ऑक्सीजन एटम इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये वाले दो फंक्शन ग्रुप तो आप लाजमी याद करोगे, ये वाले दो, क्योंकि अगर नाइट्रोजन का भी पूछे तो यही दो लिख सकते हो, अगर ऑक्सीजन का भी पूछे तो यही दो लिख सकते हो। सही, ये वाले दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आप देख लो यहाँ पर जो चीज़ें आपको आती हैं वो कर लीजिएगा। सही, कार्बोनाइल नहीं, लेकिन हमने ऑक्सीजन वाले लास्ट लेक्चर में कर लिए हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने जो डिस्कस किए हैं वो नाइट्रोजन वाले हैं। यही हमारे पास आज के लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।